हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल फिल्मी खिचड़ी। मेरा नाम है मानसी पटेल। हम बात करेंगे बिग बॉस सीजन 16 के बारे में। तो इस बार का एपिसोड जब शुरू हुआ तो शुरुआत में बजर बजने की बात भी सुंबुल नहीं उठी थी सुबह, तो शिव जाके उसको उठा के आए। बट फिर उसी बात पे वो पूरे दिन सुंबुल को टीज कर रहे थे, और पिछले कुछ एपिसोड से वो सभी मतलब जितनी भी मंडली है, मतलब वो लोग अपने आप को मंडली समझने लगे अभी, और बाकी लोग भी उनको मंडली बोलते हैं। तो वो जितनी भी मंडली है वो सब मिलके सुंबुल को बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं उसके साथ। तो सुंबुल को कभी कभी उस चीज़ का बहुत बुरा लग जा रहा है, और उस बात पे उसको रोना भी आ रहा है। तो वो रोती भी है तो भी वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये रोने लग गए, वापस इसका रोना शुरू हो गया। तो ये चीज़ उसको बहुत हर्ट हो रही थी, और एपिसोड की ख़त्म होने तक सुंबुल रात को रो रही थी। उसको बहुत बुरा लग रहा था, वो अकेली गार्डन एरिया में बैठ के रो रही थी, इधर सो रही थी उधर सो रही थी और रो रही थी। फिर ये हुआ, और इस बार के एपिसोड में शालीन और टीना के रिलेशन के बारे में पूरे घर में बात चल रही थी। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा था, क्योंकि अभी सलमान खान आए थे तो उन्होंने भी उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया कि भाई चल क्या रहा है तुम लोग का, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या नहीं हो, मतलब कभी कुछ बोलते हो कभी कुछ और बोलते हो, रिलेशनशिप है या नहीं है। तो उस बात पे घर में बहुत सारी चर्चा चल रही थी। फिर शालीन और टीना ने बात की एक दूसरे से, तो उस झगड़े में मतलब वो लोग काइंड ऑफ बात करने गए थे लेकिन वो झगड़े में कन्वर्ट हो गया। तो फिर उसमें उन लोग ने शाजिद जी को भी बुला लिया, फिर श्रीजिता भी आ गई, फिर प्रियंका को भी बुला रहे थे। तो वो झगड़ा फिर सॉल्व ही नहीं हुआ, और वो इधर ही मतलब जितना था उतने में ही वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर शेखर सुमन आए थे। शेखर सुमन हमेशा सभी कंटेस्टेंट का मूड अच्छा करके जाते हैं, वो लोग को इतना अच्छा फील होता है। और इस बार शेखर सुमन का मतलब आना वो सभी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सभी कंटेस्टेंट बहुत ही ज़्यादा होमसिक फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब ऑलमोस्ट 100 डेज हो चुके हैं और वो लोग अपने फैमिली से मिले नहीं हैं, किसी से बात नहीं हुई है। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। सभी जितने भी कंटेस्टेंट हैं सभी के चेहरों से पता चलता है, मतलब वो जिस तरह बात करते हैं उससे भी पता चलता है कि हाँ वो सभी के सभी दुखी है। तो शेखर सुमन इस बार एक कैमरा लेके आए थे, और वो कैमरा बता रहा था, मतलब वो कैमरा से बात कर रहे थे। कैमरा बोल रहा था कि कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ढूंढना पड़ता है कि हाँ भाई तुम लोग को फुटेज चाहिए कि नहीं, और प्रियंका ऐसी है जो सामने से कैमरा के पास आती है कि मैं तुम्हें फुटेज देती हूँ। तो ऐसी ही थोड़ी मस्ती मजाक हुई, सभी कंटेस्टेंट के बारे में कुछ ना कुछ बोला, फिर शेखर सुमन चले गए। उसके बाद फिर निमृत और शिव का थोड़ा थूतू मैमे हो गया था, क्योंकि निमृत ऐसी है जो किसी को फ्रेंड मानती है तो उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, वो भी सॉफ्ट हार्टेड है। तो उसको थोड़ा बुरा लग रहा था कि शिव उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, तो उस पर थोड़ा वो लोग का झगड़ा हो गया, बट वो फिर सॉल्व भी हो गया था। फिर जैसे कि मैंने आपको बोला कि सुंबुल एपिसोड के लास्ट में रो रही थी, तो यही हुआ, और इसी के बाद एपिसोड ख़त्म हो गया। आगे के सभी एपिसोड्स के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे फिल्मी खिचड़ी पर। जय हिंद।